अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। मैं हमाद 946 एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग अपने चैनल की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, बेस्ट चैनल सेटिंग्स। जो कि पहले जब मतलब के जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं जो कि न्यू चैनल बनाते हैं वो सेटिंग्स जो है मिस कर देते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं, मतलब उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी सेटिंग उन्होंने कैसे करनी है और कौन सी सेटिंग कैसी होती है और कैसे करनी होती है। बहुत सिंपल सी सेटिंग्स हैं, बहुत इजी हैं, आप भी कर सकते हैं। बट अब यूट्यूब अब सीरीज़ हम बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये भी कवर अप करनी है हमें। विदाउट एनी फर्दर चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने अपने चैनल पर आ जाना है और चैनल के बाद आपने कस्टमाइज चैनल या फिर मैनेज वीडियो पे चले जाना है। तो कस्टमाइज चैनल या मैनेज वीडियो पे आप जैसे ही आएंगे तो आपके पास यहाँ पर डैशबोर्ड लाइव सब्सक्राइबर काउंट, वैसे लाइव सब्सक्राइबर काउंट आता नहीं है, ये आपको एक ऐप या एक्सटेंशन गूगल की ये डालनी पड़ती है। वो कैसे होगा वो आगे जाकर हम सीखेंगे। तो कंटेंट ये जो सब आ रहा है ये सब हम लोग एक बार नहीं देख पाएंगे, बारी बारी देखेंगे और सेपरेट वीडियोस पर डिटेल देखेंगे। तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आपने सेटिंग्स में चले जाना है। तो सेटिंग्स के बाद आपको एक जनरल का ऑप्शन है, चैनल अपलोड डिफ़ॉल्ट परमिशन कम्युनिटी एंड एग्रीमेंट्स। तो सबसे पहले जनरल पे यहाँ पर हमारी करेंसी शो आउट हो रही है कि आपने अपनी करेंसी को पाकिस्तानी में शो करना है, कौन सी करेंसी में आपने शो आउट करना है। तो उसके बाद आते हैं सर चैनल पर। तो अब यहाँ पर चैनल के जो नीचे कीवर्ड्स आपको शो आउट हो रहे हैं उसके बाद कंट्री जो है यहाँ पर आपकी यूएस सेलेक्ट होगी, तो आपने पाकिस्तान या फिर इंडिया या जो भी आपकी कंट्री आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से आकर। तो यहाँ पर कीवर्ड्स, अब ये कीवर्ड्स किस लिए होते हैं, एक होते हैं चैनल कीवर्ड्स, एक होते हैं वीडियो कीवर्ड्स। ज़रा समझिएगा कि क्या ये दोनों कीवर्ड्स में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। अब चैनल कीवर्ड्स होते हैं जो ये आपको आपके चैनल पर सर्च आउट करने में हेल्प आउट करते हैं। मतलब कि एक बंदा है, एक आम सा बंदा, वो सर्च आउट कर रहा है यूट्यूब पे। अब जैसा कि ये लोकल है, अब जैसा से ये लोकल है और लोकल पे ड्रेसिंग वगैरह की मतलब कि वीडियोस वगैरह इस तरह की हम बनाएंगे तो जाहिर सी बात है तो हम ड्रेसिंग लिख सकते हैं यहाँ पर फैशन। तो फैशन आप यहाँ पर आ गया, मतलब आपके रेलिवेंट, आपके चैनल के रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड्स हो आप यहाँ पर आके सिंपली टाइप कर सकते हैं। ये कीवर्ड जो है आपके चैनल को सर्च आउट करने में हेल्प आउट करते हैं आपकी। तो उसके बाद एडवांस सेटिंग्स एंड ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप ज़रा देखते हैं अपलोड डिफ़ॉल्ट क्या होता है। तो अपलोड डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि आप यहाँ पर आके अपनी वीडियो का जो भी टाइटल, जो भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पुट आउट करेंगे या फिर जो भी आप यहाँ पर टैग्स लिखेंगे वही टैग्स एंड वही डिस्क्रिप्शन, सेम एंड डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल जो है आपकी नेक्स्ट वीडियो जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो पर आ जाएंगे। तो आसान लफ्जों में मैं समझाऊं तो ये इस तरह से है, आप एक बार यहाँ पर आके सेटअप कर लेते हैं। जिस तरह से मैं अपनी YouTube की सीरीज़ बना रहा हूँ तो मैंने अपने चैनल पे अपने सेटिंग्स में जाकर अपलोड डिफ़ॉल्ट पे अपनी सारी डिस्क्रिप्शन, सारा टाइटल एंड टैग्स जो है मैंने अपलोड किए हुए हैं। मुझे इससे फ़ायदा ये होता है कि मेरे जितने भी टैग्स, डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह जो है, टाइटल हर चेंज करना पड़ता है तो ये सब कुछ पहले से ही अपलोड हुआ होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि मैं वीडियो जस्ट अपलोड करता हूँ, माइनर सी चेंजिंग्स जो होती हैं मैं वो कर देता हूँ और मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है और इस तरह से मैं और काम इजीली कर सकता हूँ। मकसद यही है कि आप अगर कोई एक वीडियो सीरीज़ बनाने लगे हैं या फिर आपकी डिस्क्रिप्शन ऐसी है जो कि सेम रहनी चाहिए आपकी सारी वीडियोज़ पर, या फिर माइनर सी चेंजिंग्स आपने करनी है और आपको टाइम भी अपना बचाना है तो आप यहाँ पर आकर अपनी जो डिस्क्रिप्शन, टाइटल एंड टैग्स हैं वो एक बार ही डाल सकते हैं और इसको ना छेड़ें और आपका जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स हैं वो एक साथ चलते रहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइटल जो हमारा होगा वो कुछ इस तरह से होगा, हाउ टू सेट कस्टमाइज सेटिंग इन यूट्यूब चैनल। तो अब ये जो मैंने लिखा है ये कस्टम मैंने ज़रा एक उठाया आपको समझाने के लिए है कि ये हाउ टू सेट कस्टमाइज चैनल, ये हमारी वीडियो का एक टाइटल हो गया है। तो अब हम इसको अगर सेव करते हैं यहाँ से, मैं कुछ डिस्क्रिप्शन भी डाल देता हूँ अपने सेकेंड चैनल से, ज़रा कॉपी कर लेता हूँ मैं और आपको समझाने के लिए यहां पर अपनी डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देता हूं। तो वीडियोस में जाते हैं एंड सबसे पहली वाली वीडियो है ये, जरा एक बार देखते हैं।
और ये रही हमारी डिस्क्रिप्शन। तो ये जितनी लंबी डिस्क्रिप्शन अगर हम बार बार लिखेंगे ना तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाना है। या इस टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि आपको समझाने के लिए आप अपनी फ़र्स्ट टाइम डिस्क्रिप्शन जो है आप ख़ुद बनाएंगे अपनी, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी डिस्क्रिप्शन बनेगी कैसे और आपका चैनल जो होगा वो भी सेपरेट होगा। दैट्स वाई कि आपको अपनी फ़र्स्ट डिस्क्रिप्शन बनानी होगी। तो फिर से मिसलीड हो गया, तो इसको मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ। एक बार कॉपी करना है यहाँ से, मतलब आपने ख़ुद बनानी है। मैं जब सबको समझाने के लिए यहाँ पर टाइप करूँगा। अब ये हमारी आ गई डिस्क्रिप्शन हमारी, ठीक है। अब ये हमने डिस्क्रिप्शन अपनी यहाँ पर लगा दी। तो उसके अब इसका फ़ायदा मैं पहले बता दूँगा कि ये है कि आपका टाइम बच जाता है अगर आप सीरीज़ एक बना रहे हैं, या फिर आपकी ऐसी वीडियोस हैं जो कि आपकी वीडियोस तो सेम, आपकी वीडियोस तो चेंज हो रही हैं बट आपका टाइटल, आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो सेम रहेगी। टाइटल भी थोड़ा बहुत माइनर सी चेंजिंग्स हो सकती हैं, डिस्क्रिप्शन में भी माइनर सी चेंजिंग्स हो सकती हैं। अब यहाँ पर टैग्स पर आते हैं, और ऊपर जब हमने जैसे चैनल देखा था और चैनल के टैग्स थे, और यहाँ पर अपलोड डिफ़ॉल्ट में हमारे वीडियो के टैग्स आते हैं, ये हमारे चैनल्स के टैग नहीं हैं। तो अब जब टैग चैनल के होंगे तो जो सर्च आउट करेगा वो कीवर्ड्स वो हमारा चैनल सामने आएगा। जबकि अब वीडियो की बात करें तो वीडियो में जो हम यहाँ पर अपलोड डिफ़ॉल्ट में आके टैग्स वगैरह लगाएंगे, यहाँ पर हमारी वीडियो सिलेक्ट होगी, मतलब वीडियो सर्च बेस में आएगी। जैसे मैंने पहले यहाँ पर क्रॉस लिखा हुआ है, न्यू फैशन लिखा हुआ है, फैशन 2021, या आपकी वीडियो के रेलिवेंट जो भी टैग्स होंगे आपने यहाँ पर वो डाले होंगे। यहाँ पर आप 500 टैग्स ईजिली यहाँ पर डाल सकते हैं, और अपनी वीडियो को रैंक करने में आपके टैग जो है बहुत हेल्प आउट करते हैं। अब रैंक टैग्स क्या होते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे बनती है, और डिस्क्रिप्शन में हमें कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने और कैसे यूज़ करने कि आपकी जो वीडियो की रीच है ये बढ़ सके, तो आगे हम लोग जाकर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखेंगे, तो डिटेल देखेंगे जब हम लोग वीडियो अपनी अपलोड कर रहे होंगे। तो रैंक टैग्स क्या होते हैं और डिस्क्रिप्शन क्या होती है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हम कैसे बनाएंगे, ये हम अपने सेकंड मॉड्यूल में देखेंगे। और फर्स्ट मॉड्यूल की आई थिंक अगली नेक्स्ट जो है वो लास्ट वीडियो होगी, और हमारा फर्स्ट मॉड्यूल हो जाएगा एंड। उसके बाद स्टार्ट होगा सेकंड मॉड्यूल, और सेकंड मॉड्यूल हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मॉड्यूल 2 में हमने क्लियर करनी है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।